हमारे महापौर पुष्यमित्री जी भार्गव, डॉक्टर नीमा जी स्वागत करें, गोपाल जी मार्गदर्शन। आज हम शुभारंभ कर रहे हैं, पारस जैन जी स्वागत करेंगे। सभी पार्षदों से अनुरोध है, राजेश जी से अनुरोध सब लोग ठीक से खड़े हो ऐसे करके, शाबाश, पैर देखो ऊपर, हाथ जोड़ो, शाबाश, गुड, खड़े जाओ। आपने टेंट में भाई, अबे मोबाइल काम से लेके भूल गया हूँ भाई, जरा आप काम आई साइड हीरो का नाम भूल गए, वो पतंग उड़ाता है, पतंग उड़ाते उड़ाते कहते हैं कि क्या भाई तुम पतंग क्यों उड़ाते हो, बोले कभी कभी लगता है मुझे ऊपर वालों की डोर भी मेरे हाथ में जब मैं पतंग उड़ाता हूँ तो मुझे लगता है कि ऊपर वाले की डोर मेरे हाथ में तो ये तो एक पिक्चर का डायलॉग था, मैं नाम पिक्चर का नाम भूल गया हूँ मैं, पर ये पतंग उड़ाना, पेंच लड़ाना, पेंच लड़ाना तो काटना, अपनी कट जाए तो ज़्यादा दुख नहीं होना, तो काटना और कटना, अब आजकल तो दूसरी जगह काटना, राजनीति में तो काटने लग गए। नहीं, बहुत अच्छा त्यौहार है ये, मंच के पास में एक पतंग तैयार इधर लेकर आशीष परवाल जी। हमारे त्यौहारों में उसका धार्मिक महत्व भी और वैज्ञानिक महत्व भी है, पर नई पीढ़ी इस प्रकार के त्यौहारों से जुड़ती नहीं है। अच्छा प्रयास है महापौर जी का कि उन्होंने इतना भव्य आयोजन किया है, उसमें भारतीय खेल भी खेले जाएंगे और इस त्यौहार का महत्व तिल लड्डू, गुल्ली डंडा, सितोलिया, ये सब यहाँ पर खेलने वाले हैं, मैं सबको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे छोड़ यार, अब तो राजनीति की।